बात ये है जी, अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ज्यादातर किसान है। अभी किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि अपने गन्ने के लिए, अपने पेमेंट के लिए इंसानों को धरना देना पड़ा हो, किसान लोगों को। अब इस सरकार में ऐसा बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड फैक्ट्री है, उस पे तीन तीन बार चार चार बार धरना देने के बाद 15 दिन का पेमेंट, 8 दिन का पेमेंट, वो भी पिछले साल का, ये साल का भी कुछ नहीं, ये भी पिछले साल का। तो आपके जो यहाँ की पब्लिक का रुझान है वो जो है गन्ने के ऊपर ज्यादा निर्भर है। जो गन्ने के उसमें इजाफा करे, किसान को 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देने की सुविधा करे, इस चीज से किसानों का ज्यादा जुड़ाव है। मतलब किसानों को जिससे ज्यादा बेनिफिट होगा, किसानों को जिससे मान लो 15 दिन के ऊपर पेमेंट करते हैं, बोले फैक्ट्री 15 दिन में पेमेंट करेगी, 15 दिन तो दूर की बात, 6 6 महीने के बाद, साल साल भर के बाद भी पैसा तब मिल रहा है जब किसान यूनियन के लोग जाके धरना दे रहे हैं, जीएम पे जाके जीएम से मीटिंग कर रहे हैं, जब उसके 15 दिन का 8 दिन का ये पेमेंट मिल रहा है इतनी कोशिश करने के बाद भी। तो यहाँ का मेन मुद्दा यही है कि अपने बिजनौर में सबसे ज्यादा शुगर बनती है, सबसे ज्यादा किसान है यहाँ पे, तो किसान लोगों को जिस चीज से ज्यादा बेनिफिट होगा किसान उसकी तरफ ही रुझान करेगा। ठीक बात है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिहान। भाई एक चीज और बताइए, ये जो दामों की बात होती है, क्योंकि आपने वाजिब मुद्दा उठाया है, पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो किसान खूब मिलेंगे, गन्ने की खेती खूब होगी, गन्ने के दाम को लेकर कोई भी सरकार रही हो, किसान परेशान रहा है, उसने मांग रखी है, क्या आपको लगता है वो चीजें कोई भी दल हो, कोई भी पक्ष हो, उनके मुद्दों में दिखाई देती है कि वो दाम को ठीक करेंगे? देखो, किसान के इसके मुद्दे में, किसान का मामला तो ऐसा है, अभी तक मायावती के टाइम से, ये अखिलेश के टाइम में तो थोड़ा बहुत किसानों का बढ़ा है पैसा। अभी इस सरकार में कौन सा पेमेंट बढ़ा है कि इस सरकार में जो भी पिछले रेट हैं कि गन्ने के मूल्य वही चल रहे हैं। तो इस चीज को सब लोगों को, किसान लोगों को ये वो है कि जब हर चीज पे महंगाई है तो इसीलिए गन्ने के रेट भी बढ़ने चाहिए। और भाई आपके साथ ही कह रहे हैं ना कि आपने जो कहा उसमें एक बात जो पूरी नहीं आ पाई, वो क्या 20 रुपए का जो आप बता रहे थे? अभी सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं, ऐसे कोई नहीं है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसी सरकार में सबसे ज्यादा पेमेंट हुआ है, आप इतिहास उठा के पहले का देख लीजिए। और देखिए अपने अपने पक्ष होने चाहिए, वो भी एक घटना बता रहे हैं आप भी। जी मैं भी किसान परिवार से हूँ, गन्ने का रेट बढ़ा भी, जैन जी भी कल बोल गए, परसों बोल के गए कि इस बार 400 पार, तो गठबंधन हुआ उसका फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है किसान को सुरक्षा मिली, पहले ट्यूबवेल मोटर, आपकी हैरो टीलर, ये बहुत चोरी होती थी। मैं किसान हूँ, मेरे भी 3 बार पेड़ काटे गए थे उस सरकार में, अब कहीं चोरी डकैती रात को किसान को डर नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमें जो मिली, सुरक्षा मिली है, और सुरक्षा का किसान को फायदा हुआ है। बिजनौर में केवल एक शुगर मिल का पेमेंट लेट है, वो बिलाई शुगर मिल, बाकी मेरा धामपुर गन्ना जाता मुझे 15 दिन में पैसा मिल जाता है। हाँ, वो अलग अलग मिलों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। देखिए मेरी कोशिश ये कि बात सब किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।